तो दोस्त, कभी भी कंपनी में टर्मिनेशन या रेजिग्नेशन की बात आती है तो हमेशा कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे। कंपनी बोलती है आप रिजाइन डाल दो, और आप कभी सोचते हो कि नहीं टर्मिनेट कर दो। कई बार कंपनी टर्मिनेट कर रही होती है और आप बोलते हो कि रिजाइन डालेंगे हम, तो उस केस में क्या करना होता है? आज उसी के बारे में बात करेंगे कि कौन सा बेस्ट वे है जिसके थ्रू आपको जाना चाहिए। तो देखो दोस्त, होता क्या कि जब भी कंपनी में किसी का टर्मिनेट कर रहे हैं, रिजिग्नेशन कर रहे हैं, रिजाइन डाल रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं, वट एवर रीजन होता है वहाँ पे, तो उस केस में क्या होता है कि देखो, जब कंपनी आपको बोल रही होती है कि आप रिजाइन डालो और आपको हम तब जाने देंगे, तो उस केस में आपको क्या करना है, कंपनी से हमेशा टर्मिनेशन लेना है। वो क्यों, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। और अगर कंपनी आपको टर्मिनेट कर रही है तो बोलो कि भैया हम रिजाइन डाल रहे हैं। दोनों जगह अपोजिट काम करो वहाँ पे। तो देखो, पहले केस में हम बात करते हैं कि रिजाइन डालने के लिए। अभी आप जब कंपनी बोलती है कि आप रिजाइन डालो, जब आप रिजाइन डालते हो तो कंपनी क्या दिखाती है, जो लॉ होता है, अकॉर्डिंग टू लॉ कंपनी ये दिखाती है कि बंदे ने रिजाइन डाला है और आपका नोटिस पीरियड जो है मैं 15 दिन का करके आपको छोड़ रहे हैं, ठीक है। और जब कंपनी आपको टर्मिनेट कर रही होती है तो उस केस में क्या होता है कि आपका अगर नोटिस पीरियड अगर 3 मंथ्स का है, 2 मंथ्स का है, तो कब रूल के अकॉर्डिंग क्या कहता है, अगर कंपनी किसी भी बंदे को टर्मिनेट कर रही है प्रोबेशन पीरियड की कंप्लीट होने के बाद में, तो उस केस में क्या होगा कि उतने मंथ्स की आपको बेसिक सैलरी देनी पड़ेगी। फॉर सपोज अगर आपका नोटिस पीरियड 3 मंथ का है और कंपनी ने बोल दिया है कि आप टर्मिनेट कर रहे हैं और आप कल से मत आना, तो कंपनी आपको 3 महीने का जो बेसिक सैलरी आपकी होगी वो कंपनी को पे करनी पड़ेगी। इस वजह से वो बोलते हैं कि आप रिजाइन डालो। अभी टर्मिनेशन के केस में क्या होता है कि जब कंपनी आपको टर्मिनेट कर रही होती है, उन लोगों ने सोच लिया कि नहीं हम 3 मंथ्स का आपको बैलेंस दे देंगे, ये सारा कुछ कर देंगे, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कई बार, तो उस केस में आप क्या करो, आप उनसे बात करो कि नहीं मैं आपको रिजाइन दे रहा हूँ, आप रिजाइन पे मेरा एक्सेप्टेंस दे दो ताकि कल को आपको नेक्स्ट जॉब स्विच करने में प्रॉब्लम ना हो, ताकि आप वहाँ पे ये दिखा पाओ कि नहीं देखो मैंने कंपनी को रिजाइन किया था और किसी रीजन से मैंने 15 दिन का अपना नोटिस पीरियड करवा दिया था। तो वो रीजन आप कुछ भी वहाँ पे दिखा सकते हो, तो वो चीज़ आप वहाँ पे दिखा सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे दोस्त ये है कि कंपनी अगर बोल रही है कि आप रिजाइन डाल दो, मैं एक्सेप्टेंस दे रहा हूँ 10 से 15 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, जितना भी वो दे रहे हैं, आपको टर्मिनेशन डालना और उनको बोलना है कि जो मेरी 3 मंथ्स की पेंडिंग सैलरी है वो मेरी लास्ट वर्किंग डे पे मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दो। तो ये कुछ वे होते हैं जिससे आप बच सकते हो यहाँ पे, जो और आपका हो सकता है 3 महीने तक आपके खर्चे होल्ड हो जाएं, जब तक आपको कहीं दूसरी जॉब ढूंढने की ज़रूरत पड़ती है, दूसरी जॉब आप सर्च करते हो तो आपको वहाँ पे कुछ टाइम मिल जाता है, आपके कम से कम खर्चे तो बच जाते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं तो नेक्स्ट वीडियो में टेल अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।